मेरी श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे महलन की चाकरी सबसे बढ़िया
दर्शन करना और चले जाना। कई साल ऐसे निकल गए, हम कहते थे राधा वल्लभ जी चल, गोवर्धन चल, बरसाना चल, कहीं नहीं जाता। लेकिन अब 3 साल से कुछ ऐसी लगन लगी कि किसी रसिक का आना हुआ और वो पकड़ के बरसाने ले गए। बोले अब ऐसा बरसाना जाना हुआ है कि 8-8 महीने हम बिहारी जी की तरफ जाते नहीं, मेरा दिल यहां दुखा। अरे नहीं ऐसा मत करना, वो यार भी तो अपना ही है, उसी ने तो पकड़ के बरसाना ले गया हमें। कभी ये मत कहना कि बिहारी जी छूट गए, नहीं, मैं अक्सर इस बात की चर्चा करती हूं कि माँ और पिता के प्रेम में थोड़ा अंतर होता है। माँ को अपनी ममता जतानी आती है, लेकिन पिता को अपना प्रेम दिखाना नहीं आता। उनका पुरुषत्व, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिंता नहीं करते, वो कठोर है, ऐसा नहीं है। जब हम बिहारी जी के पास जाते हैं, सबसे पहले तो वही खींच के लाते हैं, ये सच कह रही हूं या नहीं? बहुत कोई विरला होता है जिसके पिछले जन्म में पढ़ाई पूरी हो गई हो तो सीधा बरसाने आया है, वरना हमारे बिहारी जी जब प्यार करने लगते हैं ना तो उनके लाड दुलार में हम बहुत बिगड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे अपराध गुनाह करते डरते भी नहीं है, बेईमानी धोखा करते डरते भी नहीं है, क्योंकि एक ही बात सीख ली है, साल बाद जाएंगे, कोई ऐसा व्रत कर लेंगे या चरणों में पड़ जाएंगे, माफ तो कर ही देंगे। लेकिन ये वो ठाकुर है जिसने संसार को सबक सिखाने के लिए मनुष्य जीवन लिया, राम रूप में आए चाहे कृष्ण रूप में आए, जितना कष्ट झेला, बताया कि प्रारब्ध मुझे भी धरा पर रहकर भोगना पड़ता है। तो वो तो कर्मों का हिसाब किताब बराबर करेंगे और उनको करना पड़ेगा, लेकिन जब देखते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही प्यारा है और बिगड़ रहा है, मेरा डर नहीं है इसको, तो ले जाकर तुम्हारी फाइल किशोरी जी को दे देते हैं। तुम्हारा हाथ श्री जी के हाथ में पकड़ाते हैं, पता किस लिए? अपने बनाए नियमों का उल्लंघन वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाडली ने एक बार कह दिया कि ये मेरा है, इसकी फाइल की तरफ देखना भी मत, तो तुरंत फाड़ के फेंक देते हैं। इसका मतलब बिहारी जी भी तुमसे उतना ही प्यार करते, जिससे प्यार करते उसको बरसाना देते। इसीलिए ये दोनों ही मेरे प्राण है, इन दोनों में भेद करना गलत है। राधा माधव युगल हमारे, राधा माधव युगल। इसीलिए चाहे वृंदावन हो, चाहे बरसाना हो, चाहे खाटू हो, दोनों हाथ उठा के कहो मेरे साथ आप गाना। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला, गाइए थोड़ा ऊंचा बोलो ना। संकोच होता है, आज तो मौका है, कोई आपकी आवाज ठाकुर जी के अलावा नहीं सुन रहा है, खाली होंठ मत हिलाओ, शब्द आपको दिए हैं संतों ने, कहना तो सीख लो, ऊंची आवाज में कहो। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके मिल गई, अब तो चौखट तेरी मिल गई। ससुराल
क्यों तेरे दरबार की है।
कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। इसलिए प्यारे दोनों हाथ उठा के सभी कहिए, ओ मैं नहीं था किसी सबसे तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा भी, जब से तेरा गुलाम हो। वरना औकात क्या थी मेरी, दूर करना ना मुझको मरी, दूर करना ना, अब दूर करना ना मुझको मरी, तेरी मैं मैं आ
गए हम। थक सा गया है जगत झंझट से राधे पाल तुम्हारा। अब धाओ मात पकड़ लो उंगली अपना जान दुलारा। प्यारे जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हर किस जुबा पे ना आया। कर्जदार इतना हूं तेरी दया का के कर्जा राधा नाम। दोनों हाथ उठा कर